हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम पेपर चीज़ पराठा फ्रेंड्स, वो भी बहुत टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए रेसिपी देखते हैं। मैं 400 ग्राम आलू ली हूँ, आलू को काट के उबाल ली हूँ और उसका छिलका हटा के आलू को अच्छे से बिल्कुल पतला मैश कर लेंगे। इसको बनाने के लिए मैं फ्राई पैन ले रही हूँ। मैं फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाली हूँ, आधी चम्मच जीरा, जीरा को तड़कने देंगे, 2 हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, इनको डाल के हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। सॉफ्ट हो गया है थोड़ी सी, तो मैं लहसुन की कलियां थोड़ी सी कूट के डाली हूँ, 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, इनको भी चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उनको भी भून लेंगे। 1 बड़े चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। आप चाहे तो इसके जगह पे चाट मसाला या अमचूर पाउडर मसाला डाल सकते हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें आलू मैश किया हुआ डाल देंगे। मैंने बिल्कुल आलू पतला मैश कर ली हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला मैश हुआ है। और इसको डाल के अच्छे से फ्राई पैन में हम मैश किया आलू डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको हम निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। मैं गेहूं की आटे पहले ही से लगा के रखी थी और इसको थोड़ी सी मैं बनाने के टाइम मसल ले रही हूँ। और इसकी 2 लोई तैयार करेंगे। मैं 2 लोई बना ली हूँ। अब दोनों रोटी को बेल लेंगे और 1 रोटी को साइड में कर देंगे, 1 रोटी को चकले पे रखेंगे। और मैं चीज़ लगा रही हूँ, मेल्ट वाली चीज़ है फ्रेंड्स। आप चाहे तो मुजरेला चीज़ या पेपर चीज़ लगा सकते हैं। चीज़ को अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद से फिलिंग्स जो आलू को बना के रखे हैं उसको चीज़ के ऊपर अच्छे से गोल शेप में हम फैला लेंगे। और उसके बाद हम जो दूसरी रोटी बेल के रखे हैं उसको हम उस पर अच्छे से रख देंगे और रोटी के किनारे पे हल्के हल्के पानी लगा देंगे और रोटी को हाथ से दबाते हुए हम दोनों तरफ से, ताकि अच्छे से रोटी चिपक जाए, दोनों तरफ से हम दबा देंगे तो रोटी चिपक जाएगी। और मैं मीडियम फ्लेम पे तवा को गरम कर ली हूँ और रोटी को डाल के मैं उलटते पुलटते रोटी को सेक ली हूँ। और मैं थोड़ी सी तेल लगा के रोटी को मैं सेक रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इसके जगह पे बटर, घी कुछ भी लगा सकते हैं और रोटी को सेकेंगे। और हमारा ये चीज़ पराठा फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी भी लगता है और बिल्कुल पतला पतला ये पराठा बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल रोटी जो हम बनाते हैं ना बिल्कुल पतले पतले, वैसे ही पराठे बन के तैयार होते हैं। मैं दोनों तरफ से रोटी को अच्छे से सेक ली हूँ। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और हम पराठे को निकाल लेंगे तवे से और पराठे को थोड़ी ठंडा करके हम इसकी रोल तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे।